शिमला के भट्टाकुफर मार्ग में पड़े गड्ढे लोगों के लिए बने आफत। शिमला के साथ लगते भट्टाकुफर में एनएच पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इस मार्ग पर जहां वाहनों की बहुत ज्यादा आवाजाही रहती है, वहीं लोग इस मार्ग पर पैदल भी चले रहते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इतना ही नहीं, सड़क से उड़ने वाली धूल के कारण व्यापारी भी खासे परेशान है, उनका सारा सामान खराब हो जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क का संजौली टनल से लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक मेटलिंग का टेंडर हुआ था, लेकिन काम अधर में ही लटक गया है और मेटलिंग सिर्फ भट्टाकुफर चौक तक ही हुई है। लोगों ने यह भी कहा कि सड़क पर गड्ढों के कारण यहां कई मर्तबा दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मार्ग की जल्द मेटलिंग करवाई जाए ताकि समस्या का समाधान हो, और यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोग लामबंद होकर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। अभी टायरिंग हुई, अभी जिसका टेंडर हुआ हुआ ये किलोमीटर हुआ लगभग 3-3.5 किलोमीटर, तो ठेकेदार ने ये यहाँ पे काम छोड़ के यहीं स्टॉप कर दिया है। आप देखेंगे अभी गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए सड़कों में आगे तक, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो टायरिंग है, जो टेंडर है, पूरा किया जाए आगे तक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक, इसको पूरा किया जाए। अगर ये नहीं पूरा करते तो हम 1-2 दिन के अंदर चक्का जाम करेंगे यहाँ पे, अगर ये टायरिंग पूरी नहीं करते हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक। आप रोज़ हम ही पे चलते हैं, रोज़ गाड़ियों में चलते हैं, गड्ढे ही गड्ढे है, गड्ढे के चक्कर में गाड़ी वाले रॉन्ग चलते हैं, तो इससे हादसे होने की आशंका है। तो प्रशासन से मांग करते हैं पास ये टेंडर है या जो भी इसे देख रहा है, चाहे NH है चाहे NHAI है, तो पूरा करे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक जितना भी ये टेंडर हुआ है। अपने यहाँ पे दुकान भी है, जिस कारण हमारे को डस्ट से और इतने छोटे छोटे बच्चे धूल से बड़े दुखी है। दिल्ली की बीमारियाँ चल रही है और हम पिछले 1 साल से सफ़र कर रहे हैं इन गड्ढों से, इन धूल से। ना तो कोई प्रशासन सुनवाई कर रहा है, ना NHAI वाले सुनवाई कर रहे हैं। पिछले कल भी हम PWD डिपार्टमेंट के पास गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये है मतलब दिल्ली के सेंटर से आपको करना पड़ेगा। जब सेंटर पता करते हैं तो बोलते कि यहाँ से हमने 25 करोड़ का फंड दे चुके हैं, और इसमें ये पता नहीं लग रहा कि कौन क्या कर रहा है। जब हमने इसका कंफर्म किया तो 3.8 किलोमीटर के करीब करीब ये टेंडर हुआ था, जबकि ये देखिए आप ठेकेदार ने 2 किलोमीटर में बंद कर दिया है कि मेरा बजट इतना ही है, मुझे इतने ही पैसे मिले। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके बारे में सोचा जाए, 1 साल से लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ के आम जनता की। आप मार्केट को अगर थोड़ा दिखा पाओगे तो देखना कि मार्केट में जितना भी सामान दुकान में लगा हुआ है, फल फ्रूट सब्जियाँ, वो सुबह आती है शाम तक उस पर 2-2 किलो के करीब करीब डस्ट बैठी होती है। स्कूल के बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, वो अब आपको बच्चों को तो हम समझा नहीं सकते कि ये डस्ट वाला है, ऐसा है वो। मेरा नाम प्रवीण कुमार अग्रवाल है, मैं भट्टाकुफर का स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ पर ये सड़क में हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, साइड पे इन्होंने खुदाई की, उसकी मिट्टी है, सारे में डस्ट उड़ती है, गाड़ियाँ खड्डों में बसती हैं, मगर कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। PWD बोलते हैं कि NHAI ने पैसा नहीं दिया, NHAI बोलता है कि PWD वालों का सिर्फ काम ना करने का बहाना है। हमने अब इनके इंटरनल मामले में एटलीस्ट लोकल बंदा तो सफर नहीं करना चाहिए, तो हमारी यही गुजारिश है कि इनको किसी ढंग से। ये जो पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं, पिछले 3 से 4 महीने के आसपास ये बरसात के टाइम से गिर चुके हैं, और ऊपर से MC का डंगा जो दिख रहा है आपको, ये कभी भी यहाँ से नीचे गिर सकता है। यहाँ सुबह स्टॉपेज है, स्कूल के बच्चे आते हैं और बुज़ुर्ग भी चलते हैं स्टॉपेज में। ऐसा है अगर कभी स्लाइड हो गया ऊपर से तो बच्चे को लग सकती है, गाड़ियों को लग सकती है, मेरे मकान को भी खतरा है इसमें, ठीक है ना जी। हम चाहते हैं कि ये MC डंगा लगवाए और ये जो मलबा पड़ा है कम से कम 6 महीने से, इसको हटाया जाए, यहाँ से गाड़ी प्रॉपर निकलेगी यहाँ से, और रोड भी मेटल होना है और अभी तक नहीं हो पा रहा है। पिछले साल इन्होंने कहा कि दिसंबर में होगा, जबकि अभी तक ये भट्टाकुफर में स्टॉपेज हो गया, वहाँ से आगे इसकी मेटलिंग नहीं हो पा रही है। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से देव की रिपोर्ट।